आप दाऊद खेल कॉल ट्रेन GU49001 लोकोमोटिव के साथ सनावा लेवल क्रॉसिंग करी पहुंच रही है। और GU49001 जो है ये GU40 लोकोमोटिव सीरीज का सबसे पहला इंजन है, यानी टोटल इनकी सीरीज में 55 लोकोमोटिव हैं GU40901 से 955 तक। तो ये पहला इंजन GU40 सीरीज का आज सनावा आ रहा है DKL कोल ट्रेन के साथ। तो देखते हैं फिर आप दाऊद खेल कोल ट्रेन GU40901 के साथ इस वेरी वीक रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए। डेट आज है जी 26 मार्च 2024, टाइम हो चुका है दिन के 11:45। तो ये गाड़ी जो है महमूदकोट से चली थी 11:20 पर, 25 मिनट में सनामा पहुंच रही है। तो ये ड्राइवर भी 1-8 डाउन पे स्पेयर होने के चक्कर में, यानी काफ़ी अच्छी स्पीड से गाड़ी को भगा रहे हैं। तो इनका मिशन है कि 10:30 तक कुंदिया पहुंचाने का गाड़ी को, यानी तकरीबन 9-9.5 घंटों में। तो उम्मीद काफ़ी है जिस स्पीड से आ रही है, तो ये यकीनन पहुंच जाएगी कुंदिया 1-8 डाउन से पहले। तो मैं चाहता हूं कि इधर से जब पास हो तो फिर भी स्पीड अच्छी हो। इकतालीस कोचिज इस ट्रेन के साथ लगी हुई हैं इंजन समेत, यानी कि लोड इसका 33 टन GU40 की, यानी कि कैपेसिटी के मुताबिक पूरा लोड लगा हुआ है इसके साथ। इसकी स्पीड से ट्रेन पास हुई और डेड लोकोमोटिव भी इसके साथ लगा हुआ था GMC 1549।
आज 27 मार्च 2024 टाइम हो चुका है सुबह के 6:42 और 128 डाउन 20 मिनट्स लेट सनामा स्टेशन के करीब अप्रोच कर रही है। और आज इसके साथ लोकोमोटिव HBU 20 सीरीज़ में आ रहा है, लेकिन उसका नंबर जो है वो कंफर्म नहीं है। यानी जो कल 129 आपके साथ लोकोमोटिव गया था, यानी जो लोकोमोटिव 129 आपके साथ जाता है अगले दिन 128 उनके साथ आता है, लेकिन जो लोकोमोटिव कल 129 आपके साथ गया है 8062 वो आज डाउन KBX यानी सीमेंट ट्रेन के साथ आ रहा है कुंदिया से महमूदकोट तक, अभी कुंदिया में है। तो 8062 जो है वो गुड्स के साथ आ रहा है, तो इसके साथ पता नहीं आज कौन सा लोकोमोटिव है। यानी इसके लैंक वाला जो लोकोमोटिव बनता है वो तो 8062 है, लेकिन वो तो आज गुड्स ट्रेन के साथ है, तो इसके साथ आज कोई न्यू लोकोमोटिव ही होगा यानी हिटाची सीरीज में। तो देखते हैं कि आज 128 डाउन के साथ कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है। मज़ीद जब गाड़ी स्टेशन पर आएगी तो विसल से पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इंजन है। तो वैसे आज 128 डाउन 20 मिनट्स लेट है, और आज जो है ना 128 डाउन से पहले भी 4 ट्रेनें गुजर चुकी हैं, जिनमें सबसे पहले आया था अपलाइट इंजन 4701 GMU 30 जो ADK फर्टिलाइजर ट्रेन की थी, कोटाजू स्पेशल फर्टिलाइजर ट्रेन, उसका एम्प्टी लोड कोटाजू से लेने डाउन की माड़ी। तो अपलाइट इंजन गुजरा है, उसके बाद डाउन ZPGH 9013 के साथ, उसके बाद डाउन TM स्पेशल ऑयल ट्रेन 5221 लोकोमोटिव के साथ, और उसके बाद फिर जो 4701 गया है वो एम्प्टी लोड लेने डाउन किमाड़ी का, तो वो डाउन किमाड़ी गई है। 4 ट्रेनें यानी कि रात की तारीखी में गुजर गई हैं हमारी किस्मत। तो अब 128 डाउन का अराइवल हो रहा है सनामा स्टेशन पर, तो जब डिपार्चर विसल होगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुझे पहचान हो जाएगी, उम्मीद काफ़ी है। जब ड्राइवर विसल बजाएंगे ना देखेंगे कौन सा, यानी कि सुन के बताऊंगा आपको, एक ये होगा मेरा अंदाज़ा, अब गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो अब डेली यानी कि ट्रेनें देखने आता हूं, तो अब इतना अंदाज़ा तो हो गया ये जो है ना विसल किस लोकोमोटिव का है। वैसे 128 डाउन जो है कुंदिया से चलती है रात को 12 बजे, ठीक है, राइट टाइम डिपार्चर इसका 12 बजे है, और सुबह ये 6:22 पर इसका सनामा यानी कि अराइवल है। तो 12 जमा 6 18, हाँ 6:20 में ये कुंदिया से सनामा पहुंचती है 128 डाउन, और टोटल पहुंचती है जी 8:15 मुल्तान का टाइम है इसका, यानी 8 घंटे में ये पहुंचती है कुंदिया से मुल्तान तक, और उधर से 5 बजे चलती है रावलपिंडी से, यानी 5 से 12 7 घंटे में उधर से पहुँचती है रावलपिंडी से कुंदिया, और 8 घंटे में पहुँचती है कुंदिया से मुल्तान, यानी टोटल इसका रनिंग टाइम 15 घंटे लगा लें। इसमें जो है ना 2 ड्राइवर चेंज होते हैं, एक जो रावलपिंडी से कुंदिया तक आता है, दूसरा कुंदिया से मुल्तान तक जो जाता है, यानी उनकी 8-8 घंटे ड्यूटी ही बनती होगी। सब 128 डाउन के डिपार्चर विसा का इंतज़ार है, फिर हम पहचाने कि कौन सा इंजन है। जी तो विसल से मुझे तो 8041 लग रहा है, ठीक है, यानी डिपार्चर विसल आपने सुना होगा, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो मेरी पहचान के मुताबिक इंजन आज 8041 होगा। मज़ीद जब गाड़ी आएगी तो आपने भी देखना है, मैंने भी देखना है, मैंने अभी सिर्फ विसल सुन के पहचाना है 8041 को। बाकी 8062 और ये जो 8068 हैं, 8068 रावलपिंडी साइड पर चल रहा है, और 8062 जो है ये कभी गुड्स पर आ जाता है कभी एक्सप्रेस पर, यानी परमानेंट लेंथ पर नहीं चल रहा, शायद वीक पावर है थोड़ी, इसी वजह से फिर गुड्स पर ही लगाते हैं एक्सप्रेस पर नहीं लगाते। तो अब रेडी रहें 128 डाउन का इंजन नंबर देखने के लिए,
आपको पहले पता है ना, मैंने 41 का कहा हुआ है इसल सुन के, हो सकता है ये गलत भी हो ठीक भी हो जाए। मैंने विसल पहचान लिया जिन्हें 41। तो 128 डाउन का अब डिपार्चर हो गया है इस नामा स्टेशन से। ये देखें हैवी स्मोक, तो मेरा अंदाज़ा तो बिल्कुल सही निकला है। ये नहीं, मैंने विसल से पहचाना था 41, इंजन भी 41 ही था।